हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे एक छोटा सा प्रोजेक्ट। मेरे पास अवतार इमेजेस है कुछ, तो यहाँ पर हम लोग जिस इमेज पे हम लोग क्लिक करेंगे उसकी डिटेल ओपन हो जाएगी, उसका नाम और कुछ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये मैंने jQuery में बनाया है प्योरली। ठीक है, तो कभी कभी आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाती है इस तरह की, तो हम लोग देखेंगे इसका लॉजिक। तो मेरे चैनल का मेन जो मकसद है यही है दोस्तों, कि मैं जिनकी लॉजिक बिल्डिंग में कुछ इशू आते हैं, लॉजिक जिनके क्लियर नहीं है, या तो उनको आइडिया बट वो समझ नहीं पा रहे कि इसके आगे की स्टेप्स कैसे होंगे, वो क्लियर करने के लिए मैंने चैनल बनाया है। तो इसमें क्या है कि दोस्तों, मैं एक एक कोड ना स्क्रैच से नहीं करता हूँ, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि आपको अगर कोई jQuery PHP React JS Node JS कुछ भी लर्न करना है, तो ऑलरेडी YouTube पे हज़ारों वीडियो है हिंदी उर्दू इंग्लिश में, तो आप वहाँ से जाके लर्न कर सकते हो। सभी ने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है। ठीक है, तो ये मेरा जो चैनल है वो आपकी कोडिंग की जो लॉजिक है उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने बनाई है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो छोटा सा प्रोजेक्ट है वो काम कैसे कर रहा है। ओके, तो मैं पहले आता हूँ यहाँ पर, चलो इस पर क्लिक करता हूँ, इस बंदे पे। ओके, तो उसका जो डिटेल है यहाँ पर ऊपर, डिटेल मतलब कुछ खास नहीं, उसका नाम पूरा है और उसकी जो ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, जो भी बोल लो, वो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, अब इस पर मैंने क्लिक किया है, अगर मैं जब मैथ्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये फिर डिसअपीयर हो जाएगा, उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक किया तो मैथ्यू, ओके, नाम में कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा ठीक है, मैथ्यू पर क्लिक किया तो मैथ्यू आ गया, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है। फिर रेशम है, यहाँ पर उस पर क्लिक किया तो केमिकल इंजीनियर, और ये भाई साहब सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो चलिए हम लोग बैकग्राउंड में देखते हैं कि बैकग्राउंड में ये कोड काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो मैंने एक ही फाइल बनाई है और कुछ इमेजेस है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास ये तीनों इमेजेस मैंने ले ली हैं, तो मैं आपको शो कराता हूँ। चलिए बैकग्राउंड में चलते हैं, कोड में चलते हैं। अभी मेरे पास ये कोड ऑलरेडी ओपन करके रखा है, मेरे पास यहाँ पर तीन इमेजेस आपको दिख रही होगी, अवतार 1, अवतार 2 और अवतार 3। ठीक है, तो ये इमेजेस मैंने W3 स्कूल से उठाई है। ओके, jQuery का कुछ कोड देख रहा था एक्चुअली, तो वहाँ से ये इमेजेस मुझे मिल गए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर लिया। तो फिलहाल तो मैं एक चीज़, हाँ एक चीज़ और भी था, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ एनिमेशन होके आ रहा है ना, ये नीचे से आ रहा है, ये लेफ्ट से आ रहा है और ये राइट से अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो ये एनिमेशन के लिए मैंने डेटा AOS यूज़ किया, मैं बता देता हूँ कैसे यूज़ किया। ठीक है, तो पहले तो मैंने HTML वगैरह बनाया। ठीक है, दो मैंने यहाँ पे लिंक ले लिया, बूटस्ट्रैप के लिए bootstrap.js और bootstrap.css फाइल। मतलब बूटस्ट्रैप में दो फाइल होती है, एक JS फाइल होती है और CSS फाइल होती है। CSS क्या होता है, आपका कंटेंट जो वेबसाइट होता है उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए होता है। और अगर बूटस्ट्रैप में कोई एक्शन वगैरह हम लोग कर रहे हैं, कुछ एक्शन जैसे बटन पे कोई एक्शन करना है या टूल बार पे कोई एक्शन करना है, मेनू पे एक्शन करना है बूटस्ट्रैप के, तो हम लोग को JS की रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती है। और यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है छोटा सा, पॉइंट कर्सर वगैरह का। ठीक है, हाइड विथ वगैरह दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये निकाल देता हूँ। ठीक है, देखिए इसको रखता हूँ, देख लेते कोई चेंजेस तो नहीं है। ओके, वो चाहिए था यार। ठीक है, तो यहाँ पर वो CSS का कोड है एक्चुअली, तो यहाँ पर उसको रहने देता है। तो फिर देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया है, बूटस्ट्रैप का एक कंटेनर क्लास होता है उसके अंदर मैंने ले लिया है। तो यहाँ से एक्चुअली यहाँ सब तो कुछ कंटेंट है नहीं, अगर कंटेनर जो होता है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस वो छोड़ देता है। उसके बाद मैंने एक रो लिया, रो में मैंने कॉलम ले लिया। ठीक है, कॉलम में मेरे को ये तीनों मिल गए। ठीक है, एक कॉलम लिया, उसमें मैंने ये ले लिया, मतलब 4x4 कॉलम रहता है ना, अभी 4 है मतलब 4 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो वो मैंने ले लिया। ऑफसेट उसको MD बोल दिया, ऑफसेट MD मतलब मैंने इसको स्पेस छोड़ने बोला कि 4 कॉलम छोड़ दो, नहीं तो ये जो अभी मैं हटा दूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, राइट यहाँ पर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मैंने जो ऑफसेट रखा था उसको वो मैंने वहाँ से रिमूव कर दिया, तो इसलिए वो यहाँ पर आ गया। तो ऑफसेट क्या करता है, अगर ऑफसेट 2 लिखोगे ना तो वो 2 कॉलम वहाँ से छोड़ देगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप जो है वो कॉलम पे डिपेंड होता है ना, 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं 2 लिखता हूँ तो ये थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, 1 2 2 छोड़ दिया, वो थर्ड पे आ गया। ठीक है, अगर मैं थर्ड लिखूँगा यहाँ पे ऑफसेट 3 तो वो यहाँ पर 3 छोड़ देगा, 1 2 3 3 छोड़ के फोर्थ पे आ गया, फिर 5th 6th 7th 8th 9th 10th 12th करके इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तीन इमेजेस जो मैंने लिए थे वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तीनों इमेजेस। अरे चल भाई, ओके, यहाँ पे मैंने 4 लिया था इसलिए वो ऑफसेट
यहाँ पर आपको समझ में आ गया ऑफसेट की यूज़ क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या किया, मैंने कुछ नाम दे दिया नीचे, जो कि एक और क्लास लिया, रो बनाया मैंने। अब आप सोचेंगे यहाँ पे भी रो बनाया, यहाँ पे भी रो बनाया, यहाँ पे भी रो बनाया। बूटस्ट्रैप में रो इसलिए बनाते कि एक के नीचे वो आता चला जाएगा। एक रो में तीन कॉलम है, एक रो में मैंने इमेज ले लिया, दूसरा जो रो मेरा स्टार्ट हो उसमें रेशम मैथ्यू जो नैमरेट इनका नेम लिया। ठीक है, नीचे वाले रो में मैंने आउटपुट दिखाया, ये जो ये रो आपको दिख रहा होगा ना ये वाला, इसमें मैंने आउटपुट दिखाया। ठीक है, जो ये आउटपुट यहाँ पे आ रहा है तो ये थर्ड रो में आ रहा है, मतलब फर्स्ट रो ये मेरे पास हो गया, सेकंड रो ये हो गया, थर्ड रो ये हो गया। थर्ड रो में मेरा आउटपुट है, सेकंड रो में इसका नाम है और फर्स्ट रो में उसका इमेज है। तो आपको तीन रो दिख रहा होगा, एक रो दो रो तीन रो, कंटेनर मेरे पास एक ही है। बूटस्ट्रैप में कंटेनर हम लोग एक ले सकते हैं, आप चाहे तो दो तीन चार, जैसे आपको जितना सेक्शन बनाना पड़े उस हिसाब से आप कंटेनर भी ले सकते हो। एक कंटेनर में आप मल्टीपल रो ले सकते हो, एक रो के अंदर और भी रो ले सकते हो, आपके यूज़ के हिसाब से आपको आप कितने भी रो कॉलम्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना कोड देखते हैं। अब jQuery का कोड है मेरे पास, मैंने jQuery का लिंक ले लिया है। ठीक है, jQuery का लिंक लेने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने रेडी लिख दिया है, जो फंक्शन होता है jQuery का। ठीक है, यहाँ पर रेडी हो चुका है। रेडी का मतलब ये है कि अब आपका जो कोड है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैंने क्या किया है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने इसकी आईडी ले ली, मतलब जैसे ही क्लिक होता है तो ये इमेज मुझे दिखा दो। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि हाँ ये क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम भूल गया। ठीक है, ये जब मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, इसका आईडी मैंने इस तरह से ले लिया। ठीक है, तो मैं आईडी लेने के लिए ये साइन यूज़ करता हूँ। अगर मेरे पास क्लास मेरे को लेनी होती, अगर ये क्लास लेनी होती तो मैं यहाँ पर डॉट यूज़ करता इस तरह से। ठीक है, तो मैंने डॉट नहीं लिया, तो मुझे आईडी चाहिए था इसलिए मैंने ये साइन यूज़ कर लिया। इसको क्या बोलते हैं, मेरे को भी क्लिक ही नहीं हो रहा एक्चुअली। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था इस क्लिक, आप कुछ भी ले सकते हो, डेटा भी ले सकते थे या क्लिक ले सकते थे। ठीक है, तो मैंने इस क्लिक लिया जो कि रिलेटेड टर्म होना चाहिए। अगर आप वेरिएबल वगैरह ले रहे हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो इस तरह का वेरिएबल लीजिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है उससे वो मिलता जुलता रहे। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के वेरिएबल डाल दिया तो एक आपका जो कोडिंग का पैटर्न होता है, कोडिंग स्टैंडर्ड है, वो पुअर बन जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा क्या, अगर ये क्लिक्ड है तो, अगर ट्रू लिख दिया मतलब अगर वो क्लिक्ड है तो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बता दिया कि अगर ये क्लिक है तो स्टूडेंट नाम का जो आईडी है वहाँ पर जाओ, यहाँ पे जाओ, मतलब यहाँ पे नीचे, यहाँ नीचे जाओ, यहाँ नीचे जाओ और ये इमेज प्रिंट कर दो। ठीक है, तो क्या किया उसने, इमेज प्रिंट कर दिया, केमिकल इंजीनियर रेशम हलाट उसका नाम वगैरह जो था मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया jQuery के थ्रू। ठीक है, अभी क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखिए आ गया ना, उसका नाम आ गया और उसका प्रोफेशन आ गया। मैंने कहाँ पर दिया था, यहाँ पर दिया था, दिख रहा है, रेशम और उसका केमिकल इंजीनियर। ठीक है, नाम दे दिया। तो इस तरह से आप, मैंने तीनों इमेजेस के लिए कर लिया। ये मैं एकदम बिगिनिंग मतलब फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ, इसमें हम लोग एक साथ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं थी, एक कोड में लिख सकते थे, बट वो आपको थोड़ा सा टफ पड़ता है, समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने अलग अलग ले लिया, तीनों बटन को अलग अलग ले लिया। ठीक है, तीनों जो इमेजेस है उसको अलग अलग ले लिया मैंने, अलग अलग लाइन में, कि थोड़ा सा आपको समझ में आ सके। ठीक है, फिर सेकेंड के लिए भी मैंने यही किया। ठीक है, मैंने हैश यूज़ किया, हैश eva2 और डॉट क्लिक, क्लिक करते हैं तो वो फिर से आएगा। और ये स्टूडेंट डॉट इमेज, ये बार बार स्टूडेंट अंडरस्कोर इमेज इसलिए लिया, ये आईडी पे मुझे जाकर ये html प्रिंट कर देना है। ठीक है, html में क्या है मेरे पास, html में मेरे पास इमेज है। ठीक है, तो अभी मैं रिफ्रेश करूँगा, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो उसकी जो उसका इमेज, उसका डिटेल है यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, student_image मतलब html इसलिए लिखा कि मुझे html का डिज़ाइन वहाँ पे पेस्ट करना है, तो html का कोड वहाँ पे जाके वो चेंज होके क्या हो गया, आउटपुट में बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्राउज़र में html का कोड इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने html का कोड के थ्रू मैंने इमेज वहाँ पे प्रिंट करा दिया, फिर सेम वही किया। ठीक है, हैश के थ्रू, हैश ev3 क्लिक करता है तो फिर उसके बाद अगर वो ट्रू होता है तो मैं फिर से मैंने student_underscore इमेज पे जाऊंगा और ये उसका इमेज जो भी है डेटा यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया, html का डेटा जो यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव नाम रन हैंड, ठीक है, उसका नाम और उसका प्रोफेशन जो भी था मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। और एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि ये जो एनिमेशन यहाँ पे आ रहा है वो कैसे आ रहा है। ठीक है, ये जो एनिमेट होकर आ रहा है लेफ्ट से राइट से, ये डाउन से आया, उसके लिए मैंने AOS यूज़ किया है,
इवन से क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने उसका एक कोड छोटा सा लिखा है और यहाँ पर उसकी एक लिंक ऐड की है, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ क्या होता है, डेटा AUS, ठीक है, एनिमेट स्क्रोल लाइब्रेरी। मैं नीचे जाता हूँ, देखिए सब दिखा रहा है। अगर देखिए फेड फेड लेफ्ट लेफ्ट से फेड होके आ रहा है, ठीक है, ये फेड अप राइट से आया, नीचे से आया, ये इस तरह से इसका एनिमेशन होता है। अभी ये फ्लिप है, फ्लिप मतलब देखिए फ्लिप होके आ रहा है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने इसका CDN लिंक उठाया और एक JS का छोटा सा कोड देता है, मैंने यहाँ पे वो कोड यहाँ पर चिपका दिया, ठीक है, ओके। तो इस तरह से छोटा सा प्रोजेक्ट था दोस्तों। इसका मैं जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।